नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। और आत्मनिर्भर होगा भारत, राजनाथ ने दिए संकेत, 15 अगस्त को पीएम मोदी खींचेंगे बड़ी लकीर। 2 दिन बाद दुनिया को मिलेगी पहली कोरोना वैक्सीन, रूस कराएगा रजिस्ट्रेशन। संजय राउत ने कहा कि पिता की दूसरी शादी के वजह से सुशांत के रिश्ते हुए थे खराब। बेरूद धमाके के बाद दूसरे कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा, प्रदर्शन जारी। योगी से मुकाबले के लिए मायावती का ब्राह्मण दलित गठजोड़ पर जोर। राम के बाद बुद्ध पर विवाद, विदेश मंत्री के बयान पर नेपाल ने जताई आपत्ति। साथ ही उमा कांड ने बताया कि आवाज उठाने पर बीच गांव में पीटता था विकास दुबे। महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केस। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता की अस्पताल में मौत, कल आतंकी हमले में हुए थे घायल। हरियाणा में 500 से अधिक शराब की बोतल की तस्करी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था एनकाउंटर और तबादले की नीति से नहीं बनती। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट समेत बागियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बुद्ध पर जयशंकर के बयान पर नेपाल की आपत्ति को भारत ने किया खारिज। नागालैंड में 2 नगा संस्थाओं ने प्रधानमंत्री से की राज्यपाल की शिकायत। पुणे में सिलेंडर फटने से 1 की मौत, 7 जख्मी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फिर सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। FSSAI ने कहा कि स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में नहीं हो सकेगी जंक फूड की बिक्री। मायावती ने कहा कि पीएम मोदी को भूमि पूजन में राष्ट्रपति कोविंद को भी देना चाहिए था न्योता। राष्ट्रपति ने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर 202 स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित। दिशा सालियान मौत मामला, पुलिस ने कहा कि दिशा सालियान के शव को लेकर सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद। कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय का हुआ उद्घाटन। साइना नेहवाल ने अपने पति के साथ शुरू की ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों में राष्ट्रीय शिविर से जुड़ेंगी। नहीं रहे भारत और मोहन बागान के पूर्व खिलाड़ी मनी तोम्बे सिंह, 39 साल की उम्र में निधन। मैक्स वेरस्टैपेन ने हैमिल्टन को पछाड़ कर जीता ब्रिटिश ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस का खिताब। 6 महीने के ब्रेक के बाद कोर्ट पर उतरने को तैयार चैंपियन सेरेना विलियम्स।